मॉर्निंग दोस्तों, हम ले में हैं फ़िलहाल और धूप निकली हुई है, फिर भी ठंडक लग रही है। तो ये है ले सिटी। फ़िलहाल सब कुछ शांत नॉर्मल पड़ा हुआ है। रात में हमसे कई साइट मिस हो गई थी, हम बहुत लेट हो चुके थे, तो हम अभी पीछे की तरफ जाएंगे और जो हमसे मिस हुआ है उसको कवर अप करेंगे। तो चले चलते हैं। और फिलहाल हम राइड नहीं करने वाले हैं, हम दो बाइक पे चार लोग जाएंगे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और लोकेशन को देखने की कोशिश करेंगे। ये जो आपको पीछे दिख रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ एक मिनट रुकिए। ये जो आपको दिख रहा है ये ले गेट है, यहाँ से एंट्री की जाती है। ये वो रोड है जहाँ से हम आए थे। जैसे हम अंदर आए हमें फट से होटल मिल गया। और इसके बाजू से देखिए लेफ्ट टर्न जा रहा है तो दीक्षित, खालसर, खारदुंग, खारदुंगला, सुमूर, आगम, होंडूर, पैनामिक, मतलब गिल से आते हैं तो आपको जगह पे ही टर्न है। तो ये ऐसा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कुछ। मैग्नेटिक हिल आ गए, ये मैग्नेटिक हिल है। तो चलिए देखते हैं जो कुछ बोला गया है ऐसा कुछ है या नहीं है। एक्चुअली पहले मैग्नेटिक हिल था, अब नहीं रह गया। लोग कहते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर दिया गया है, जो रोड में जो इन्होंने टर्मैक डाला है इससे, या वो पहले ऐसा नहीं रह गया है। तो क्या पता कितना सच है कितना झूठ है। फिलहाल ये मैग्नेटिक हिल है, है मैग्नेटिक हिल। यहाँ पे इस तरह का एडवेंचर भी होता है, आप इस तरह की गाड़ियों पर बैठ के भगा सकते हैं, दौड़ा सकते हैं।
यहाँ पे एक कैफ़े भी है, आप कैफ़े में इंजॉय भी कर सकते हैं, चिल मार सकते हैं। तो वन ऑफ द ग्रेट थिंग इज दैट अगर आप शिलाजीत के शौकीन हैं तो शिलाजीत भी ले सकते हैं। ये कौन सा रिवर है, एक इंडस रिवर, दूसरा इंडस या जास्कर? हाँ, सिंधु। तो मैंने एक लोकल बंदे से बात की, तो ये जो रिवर है, ये वाली, ये है इंडस रिवर। जो मिल्की जैसे दिख रही है वह झंस्कर रिवर, और ये दोनों रिवर जब मिल्की आगे बढ़ती है, इसलिए मैं बताता हूँ। गिरा तो ये बन जाती है सिंधु नदी, सिंधु नदी, हाँ बराबर सिंधु नदी। तो ये रहा वो संगम पॉइंट। चलिए थोड़ा और कुछ देखते हैं। शिलाजीत शौकीनियों के लिए बड़ा मज़ेदार जगह है ये। तो गुड बाय टू संगम, अब चलते हैं पत्थर साहब गुरुद्वारे, इसी में कहानी है।